तो वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम में लौटा नंबर वन तेज गेंदबाज अपनी घातक गेंदबाजी से मचाएगा वर्ल्ड कप में कोहराम। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे सब कुछ उस खास वीडियो में। उससे पहले अगर आप भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान टीम का महान क्रिकेटर मानते हैं तो उस वीडियो को एक दिल से लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों एशिया कप में हारने के बाद सुपर फोर राउंड से बाहर होने वाली पाकिस्तान टीम अब भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में शिरकत करने जा रही है। आपको बता दें कि 50-50 ओवरों वाले ये वनडे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम जीत के इरादे लेकर पिच मैदान पर उतरेगी। वहीं एशिया कप के दौरान पाकिस्तान टीम के तेज गेंदबाज नसीम शाह चोटिल हो गए थे जिस कारण नसीम शाह वर्ल्ड कप 2023 टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। वहीं नसीम शाह जैसे तेज गेंदबाज का वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से बाहर होना पाकिस्तान टीम के लिए एक बड़ा संकट बनकर आया है। वहीं वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नसीम शाह की जगह युवा खिलाड़ी एहसानुल्लाह को पाकिस्तान टीम में शामिल करने जा रही है। दोस्तों एहसानुल्लाह भी नसीम शाह की तरह घातक गेंदबाज हैं जो अपनी खौफनाक बॉलिंग से विरोधी टीम के बल्लेबाजों का हवा निकालने का दमखम रोक रखते हैं। दोस्तों बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम में तेज गेंदबाजों की कमान शाहीन अफरीदी की अगुवाई में हारिस रौफ, जमान खान और एहसानुल्लाह संभालते हुए दिख सकते हैं। आपको बता दें कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान टीम का मुकाबला भारत, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों के साथ होने वाली है जिसके लिए पाकिस्तान टीम ने अपनी कमर कस ली है। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला 14 अक्टूबर को भारत के साथ खेला जाना है जहां पाकिस्तान टीम भारत से एशिया कप के हार का बदला लेने के इरादे से बीच मैदान पर उतरेगी। वहीं पाकिस्तान टीम में नंबर वन गेंदबाज एहसानुल्लाह के आने से पाकिस्तान टीम का बॉलिंग अटैक पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। वहीं भारत के खिलाफ 14 अक्टूबर को एहसानुल्लाह भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ एक नया आकृतिमान अपने नाम करना चाहेंगे। दोस्तों क्या टीम पाकिस्तान इस बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर पाएगी? नीचे कमेंट कर हमें ज़रूर बताएँ।